एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। जैसे साल भर एक के बाद एक सीजन्स आते हैं, हर दिन के बाद रात आती है और फिर से दिन होता है, वैसे ही बिजनेसेस बिजनेस साइकिल से गुजरते हैं। बिजनेस साइकिल इकोनॉमिक ग्रोथ और डिक्लाइन के अल्टरनेटिंग फेजेस को कहा जाता है, क्योंकि ये फेजेस रिकरिंग होते हैं। ये अक्सर एक आइडेंटिफाइबल पैटर्न में होते हैं, जहां एक फेज दूसरे फेज को यूजुअली फॉलो करता है। तो आज हम बात करेंगे कि बिजनेस साइकिल फंड्स के थ्रू इन बिजनेस साइकिल्स का कैसे बेनिफिट लिया जाए और कैसे पैसे कमाए जाए। आइए सबसे पहले समझते हैं कि बिजनेस साइकिल्स आखिर क्या होती हैं। सो फर्स्ट है एक्सपेंशन। बिजनेस साइकिल में पहला स्टेज एक्सपेंशन का होता है। इस स्टेज में पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे एम्प्लॉयमेंट, इनकम, आउटपुट, वेजेस, प्रॉफिट्स, डिमांड और तो और गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई में इंक्रीमेंट बढ़त होती है। नेक्स्ट है पीक। सो इकोनॉमी जब एक सैचुरेशन पॉइंट या पीक पर पहुंच जाती है, जो बिजनेस साइकिल का दूसरा स्टेज होता है, इसे ही पीक कहते हैं। यहाँ ग्रोथ की मैक्सिमम लिमिट अटेन की जा चुकी होती है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आगे और नहीं बढ़ते हैं और अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होते हैं। गुड्स और सर्विसेज की प्राइसेस भी अपने पीक पर होती हैं। थर्ड स्टेज है रिसेशन। सो रिसेशन स्टेज पीक फेज के बाद आता है। यहाँ गुड्स और सर्विसेज की डिमांड तेजी से डिक्लाइन होने लगती है। होता यूं है कि उधर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो डिमांड में हो रही इस डिक्लाइन को देख नहीं पाते, ध्यान नहीं दे पाते और प्रोड्यूस करते जाते हैं, और इस वजह से मार्केट में एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन राइज हो जाती है। इसलिए इस फेज में गुड्स के प्राइसेस में एक डिक्लाइन यानी कि गिरावट आती है। फोर्थ है डिप्रेशन। सो इस फेज में अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत इंक्रीज हो जाता है, इकोनॉमी की ग्रोथ में गिरावट जारी रहती है, और जब ये स्टेडी ग्रोथ लाइन से नीचे आ जाती है, इस स्टेज को ही डिप्रेशन कहा जाता है। फिफ्थ है ट्रॉ। सो डिप्रेशन स्टेज में इकोनॉमी का ग्रोथ रेट नेगेटिव हो जाता है, गुड्स और सर्विसेज की डिमांड और सप्लाई में गिरावट जारी रहती है, जो अपने लोएस्ट पॉइंट पर जाकर रुकती है। इकोनॉमी इवेंचुअली ट्रॉ फेज में पहुंच जाती है, जो इसका नेगेटिव सैचुरेशन पॉइंट होता है। एंड फाइनल है रिकवरी। सो ट्रॉ के बाद इकोनॉमी रिकवरी की स्टेज पर पहुंच जाती है। इकोनॉमी में एक टर्न अराउंड होता है और ये नेगेटिव ग्रोथ रेट से रिकवर होने लगती है। कम कीमतों के वजह से दोस्तों डिमांड बढ़ने लगती है और इसकी वजह से सप्लाई भी बढ़ने लगती है। लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट में गिरावट होती है, प्रोडक्शन बढ़ने लगता है और बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा लेंडिंग भी बढ़ जाती है। रिकवरी तब तक कंटिन्यूड रहती है जब तक इकोनॉमी स्टेडी ग्रोथ लेवल्स पर वापस ना आ जाए। तो आइए अब समझते हैं कि बिजनेस साइकिल फंड्स क्या होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बिजनेस साइकिल्स के अलग अलग फेजेस होते हैं, जैसे एक्सपेंशन, मॉडरेशन और कॉन्ट्रैक्शन। बिजनेस साइकिल फंड्स के फंड मैनेजर्स अलग अलग सेक्टर्स के लिए वेरियस बिजनेस साइकिल फेजेस आइडेंटिफाई करते हैं, और ऐसा ये बहुत सारे इकोनॉमिक पैरामीटर्स को ट्रैक करके करते हैं। इन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बेसिस पर फंड मैनेजर्स उन सेक्टर्स और उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो इकोनॉमी के एक पर्टिकुलर फेज में बेहतर परफॉर्म कर पाएगी। आमतौर पर इक्विटी फंड मैनेजर्स बॉटम्स अप अप्रोच फॉलो करते हैं, यानी कि वो पहले कंपनीज के फंडामेंटल्स को चेक करते हैं बॉटम्स और फिर सेक्टर को, देन अप। हालांकि जब बिजनेस साइकिल फंड की बात आती है तो इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, यानी कि ये फंड्स टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करते हैं, जहां पे पहले वो उन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो किसी एक बिजनेस साइकिल में ग्रोथ के साइंस दिखा रहा हो, और फिर उन सेक्टर्स से नीचे आते हैं, यानी कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को पिक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक रिकवरी के फेज के दौरान ये फंड्स साइक्लिकल सेक्टर्स जैसे कार मैन्युफैक्चरर्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, होटल्स, एयरलाइन, लग्जरी गुड मार्केट्स और तो और ग्रोथ ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज में भी इन्वेस्ट करते हैं।
हालांकि स्लोडाउन के दौरान वे डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे कि एफएमसीजी और हेल्थ केयर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। बिजनेस साइकिल फंड्स सेक्टोरल और थीमेटिक फंड से काफी अलग होते हैं, क्योंकि सेक्टोरल फंड एक पर्टिकुलर सेक्टर पर फोकस करते हैं, जबकि थीमेटिक फंड एक पर्टिकुलर थीम के बेसिस पर इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि बिजनेस साइकिल फंड्स का अलग अलग सेक्टर्स में एक्सपोजर होता है, जो बिजनेस साइकिल के किसी एक फेज के बेसिस पर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इनके पोर्टफोलियो में 3 या उससे ज्यादा सेक्टर्स में एक्सपोजर हो सकता है और उन सेक्टर्स में डाइवर्सिफाइड होल्डिंग्स हो सकती हैं। इसके अलावा बिजनेस साइकिल में चेंजेस के बेसिस पर ये फंड अपने पोर्टफोलियो में सेक्टर्स को एक्टिवली रोटेट करते रहते हैं। नाउ बिजनेस साइकिल फंड्स में इन्वेस्ट करने के फायदे क्या हैं, उन्हें समझते हैं। सबसे पहला, सेक्टर टेलविंड्स। सो टेलविंड्स ऐसे फैक्टर्स और इवेंट्स होते हैं जो किसी सेक्टर की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करते हैं या बिजनेसेस के प्रॉफिट्स और रेवेन्यू पर पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं। तो करेंटली ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमी तेजी से बढ़ती महंगाई और हायर इंटरेस्ट रेट रेजिम में शिफ्ट का सामना कर रहे हैं, जो अगेन इंडिया के कुछ साइक्लिकल सेक्टर्स को मदद करती है। उधर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, मेनली रशिया यूक्रेन वॉर, कुछ स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स को जन्म दे रहा है, जैसे ग्लोबल सप्लाई चेन की रीडिजाइनिंग और तो और लॉस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस फॉर डेवलप्ड इकोनॉमीज वर्सेस इंडिया। ये इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल गुड्स जैसे कुछ सेक्टर्स की मदद कर सकता है। एक बिजनेस साइकिल फंड इन अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज करने यानी कि बेनिफिट लेने में केपेबल होता है। नेक्स्ट, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सो बिजनेसेस जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज का बेनिफिट उठाते हैं, ये समय के साथ इसे डोमिनेंट मार्केट शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह इन्वेस्टर्स जो कि नेसेंट मार्केट ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वो इन ट्रेंड्स के एक्चुअल में हो जाने पे अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में बिजनेस साइकिल फंड्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि वे इकोनॉमिक ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उन सेक्टर्स और उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो ऐसी सिचुएशंस में बेटर परफॉर्म करने की पॉसिबिलिटी रखते हों। तो अब आप स्क्रीन पे वेरियस बिजनेस साइकिल फंड्स के नेम्स देख सकते हैं और साथ ही साथ टेबल पे 1-year, 3-year, 5-year returns जो भी अवेलेबल हैं और तो और एक्सपेंस रेशियो भी देख सकते हैं। सो सबसे पहला है आदित्य बिरला सन लाइफ बिजनेस साइकिल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जिसके आज सच रिटर्न्स तो अवेलेबल नहीं है बट इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.41। सेकंड है HDFC बिजनेस साइकिल फंड डायरेक्ट ग्रोथ। देन वी हैव ICICI प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसका 1 year रिटर्न है 16.5% विद एक्सपेंस रेशियो ऑफ 0.65%। We have Kotak Business Cycle Fund Direct Plan Growth. We also have HSBC Business Cycle Fund Direct Plan Growth, जिसके 1 year return है 11.57%, 3 year returns 18.42%, 5 year return 8.57% with expense ratio of 1.44%. वहीं लिस्ट में लास्ट है Tata Business Cycle Fund Direct Plan Growth, जिसका 1 year return है 19.9% with expense ratio of 0.55%. आइए अब बात करते हैं कि बिजनेस साइकिल फंड्स में इन्वेस्ट करने के रिस्क क्या क्या हैं। सो डिपेंडेंस ऑन दी फंड मैनेजर, ये पहला रिस्क है। इन फंड्स की परफॉर्मेंस मोस्टली फंड मैनेजर की एबिलिटी पर डिपेंड करती है कि क्या वो बिजनेस साइकिल में होने वाले चेंजेस के कंपैरिजन में अपनी पोजीशन की एंट्री एग्जिट को एक्यूरेटली टाइम कर भी पा रहे हैं या फिर नहीं। इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको जरूर फंड मैनेजर के ट्रैक रिकॉर्ड को इवैल्यूएट करना चाहिए। नेक्स्ट रिस्क है इनसफिशिएंट ट्रैक रिकॉर्ड। बिजनेस साइकिल फंड्स को बिजनेस साइकिल की टाइमिंग से बेनिफिट होता है, राइट? इसका मतलब ये है कि फंड्स इकोनॉमी में डाउनटर्न के दौरान डिफेंसिव सेक्टर्स खरीदकर और अपटर्न के दौरान साइक्लिकल सेक्टर्स खरीदकर बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों इनमें से कई फंड्स ऐसे हैं जो काफी नए हैं और आपके पास उनके परफॉर्मेंसेस को ट्रैक करने के लिए सफिशिएंट डेटा यानी कि ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। देन हाई कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। बिजनेस साइकिल फंड्स में हाई कॉन्सेंट्रेशन रिस्क होता है, क्योंकि ये कुछ ही सेक्टर्स की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, ना कि किसी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ इक्विटी फंड्स में। इसके अलावा मार्केट साइकिल्स अनप्रेडिक्टेबल होती हैं और तो और ये एक्सटेंडेड पीरियड्स तक चलती जा सकती हैं। नाउ जिन इन्वेस्टर्स के पास सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट होराइजन नहीं है, वो इन फंड्स में फंड्स लूज भी कर सकते हैं, जो कि एक बड़ा रिस्क है। ये फंड्स लोअर रिस्क टॉलरेंस वाले इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल बिल्कुल भी नहीं है और इन्हें सैटेलाइट पोर्टफोलियो के एक टैक्टिकल ऑप्शन के रूप में देखा जाना चाहिए, ना कि कोर पोर्टफोलियो के गो टू फंड की तरह, राइट? अब हम आ चुके हैं अपने कंक्लूजन पे। सो बिजनेस साइकिल फंड्स के बारे में हमारे पास जितनी भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन थी, हमने अपने व्यूअर्स को यानी कि आपको दे दी।
हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको बिजनेस साइकिल फंड समझने में काफी हेल्प की होगी। गाइस ध्यान रखिएगा कि यहाँ बताए गए बिजनेस साइकिल फंड्स हमारी रिकमेंडेशन किसी भी तरीके से नहीं है, तो अगर आप वीडियो में बताए गए किसी भी फंड में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का ड्यू डिलिजेंस कर लीजिएगा। शेयर मार्केट से रिलेटेड और अपडेट्स पाने के लिए प्लीज ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.